एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। सीधी जिले में एक बार फिर कोरोना के थोक में संक्रमित मरीज पाए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी व प्रशासन की शिथिलता के कारण एक बार फिर जिले में मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और सीधी जिले में आज आधा दर्जन कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जी हाँ, बता दें कि 11 जनवरी को 528 संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग कर जांच हेतु भेजे गए थे, जिसमें से आई रिपोर्ट में 6 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अब जिले में प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 13 हो गई है। संक्रमितों में 5 किशोर यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, जबकि एक व्यक्ति 45 वर्ष का है। सभी संक्रमित सीधी शहर या शहर से लगे हुए जगहों के हैं। सीधी जिले की कुकुड़ी झर हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाले मझोली अंचल के व्यापारी संघ और क्षेत्रवासियों ने कैंडल मार्च निकाला है। आपको बता दें कि गत दिवस कुकड़ी झर निवासी राम नारायण प्रसाद गुप्ता की 17 वर्ष बेटी की हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में मझोली अंचल के व्यापारी संघ और क्षेत्रवासियों द्वारा कैंडल मार्च निकाल कर मामले की सघन जांच व जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। उक्त घटना की जहां पूरे जिले में प्रशासन की निंदा हो रही है, वहीं जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर कल सीधी जिले में धूमधाम से भगवा यात्रा निकाली गई, जहां जय श्री राम के नारों के साथ ढोल नगाड़े की गूंज पूरे शहर भर में गूंज रही थी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें ई न्यूज़ एमपी के साथ। नमस्कार।